फाइनली JKSSB एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 का जो एडिट ऑप्शन है वो अवेलेबल कर दिया है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना JKSSB एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 का जो फॉर्म है वो एडिट कैसे करोगे। चाहे आपने फॉरेस्टर का फॉर्म भरा हो, FPF गार्ड का फॉर्म भरा हो या और कोई फॉर्म भरा हो जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 के अंडर है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडिट कैसे करोगे। इसका जो एडिट ऑप्शन है वो 21/10 से लेके 28/10/2022 तक अवेलेबल रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1K कंप्लीट करा दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा JKSSB। JKSSB सर्च करने के बाद आपके सामने JKSSB.nice.in यानी JKSSB का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको इसको ओपन कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्टर्स अंडर एडवर्टाइजमेंट 5/2022। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट ओपनिंग का। तो आपको इस पे क्लिक करना है। लेटेस्ट ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आर्काइव ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। आर्काइव ओपनिंग्स पे क्लिक करने के बाद मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लॉग इन करने में तो मुझे कमेंट भी कर देना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है 4/2022। तो आपको यहाँ पे व्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। व्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने JKSSB का लॉग इन पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर देना है। अगर आपने कहीं कैफे से फॉर्म भरा है तो आपको अपना जो पासवर्ड है वो याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो आपको अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट करना होगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरेस्टर का फॉर्म डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे स्टेटस एक्टिव दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी डिटेल्स व्यू कर सकते हो कि आप में कोई गलती तो नहीं की है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट डिटेल्स। तो आपको इस पे क्लिक करना है। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपना जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जो भी अगर डोमिसाइल नंबर या और कुछ नंबर आपको गलती लगी होगी तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसमें कोई गलती लगी है तो आप वो भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपने अपनी कैटेगरी में गलती की है तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। अगर आपने कोई परसेंटेज, रिजल्ट, डेट, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कहीं गलती की है तो आप यहाँ से अपना फॉर्म चाहे वो एडिट कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो फोटो और सिग्नेचर शो हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो एडिट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने फॉर्म को जो है वो प्रिंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसे लगी वीडियो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।